क्या भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो करेंसी में, हम और आप किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या जुगाड़ करना पड़ रहा है अपना ही पैसा यूज़ करने के लिए। सो बेसिकली एक आपको मालूम है कि यहाँ पे रिसेंटली कोटक बैंक ने कुछ लोगों का बैंक अकाउंट क्लोज किया था, काफ़ी नोटिसेस भेजी। तो एक दो सजेशंस जो क्रिप्टो कम्युनिटी से सबके लिए आ रहा था कि जब आप क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हो, जब आप कुछ बाइंग और सेलिंग करते हो, तो आप रिमार्क्स में क्रिप्टो और बिटकॉइन मेंशन मत करो कि आप बिटकॉइन और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कर रहे हो। और वो एक रास्ता है जिससे आप बचा सकते हो अपना अकाउंट क्लोज होने से। हालांकि ये रास्ता बिल्कुल सही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप खाली आप क्या कर रहे हो कि आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शन मेंशन नहीं कर रहे हो, हालांकि ये क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन है। हाउएवर it does not feel good, guys. This is just my personal opinion कि हम लोग मतलब फीलिंग ऐसे आती है कि लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं जो हम बिटकॉइन या क्रिप्टो में ट्रेड करके जो फीलिंग है वो हम ऐसी है कि वो फीलिंग गलत फीलिंग है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ छुपा रहे हैं, हम कुछ चोरी कर रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली बैड, क्योंकि आप अपना पैसा यूज़ कर रहे हो। हम अपने पैसे से बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, हम क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ गलत कर नहीं रहे, हम तो लोन ले नहीं रहे हैं, हम कुछ गलत ऐसा भी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है और ऐसे हम ट्रांजेक्शन में घुस रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड आइडिया कि नॉट टू मैंशन इन द रिमार्क्स क्रिप्टो बाइंग है, बिटकॉइन बाइंग है, बट द सेम टाइम इट डज नॉट गिव अ गुड फीलिंग। ऐसा लगता है कि कुछ चोरी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं कुछ, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड फॉर द अडॉप्शन। क्योंकि अगर आप अडॉप्शन की बात कर रहे हो, लेट से कोई आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर लेट से बिटकॉइन बाय करना चाहता है या क्रिप्टो बाय करना चाहता है, तो आप क्या करोगे? आप ये सजेस्ट करोगे कि एक काम करो, आप एक्सचेंजेस पे जाओ, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस हैं, WazirX, CoinX, Bitbinex, ये जो पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस हैं, अब आप यहाँ पे जाओ बाइंग करो। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी बोलना पड़ेगा, लिसन सुनो, ध्यान से सुनो, what? रिमार्क्स में आप बिटकॉइन का भी मेंशन मत करना, वरना बैंक आपका अकाउंट क्लोज कर देगा। तो वो बंदा तो डर जाएगा पहले ही, बोलेगा यार ये क्या मतलब, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, राइट? सो आई थिंक इट्स अ वियर्ड सिचुएशन गाइस। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज रॉन्ग आइडिया, कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, कि दिस इज द राइट वे टू रिमार्क्स मेंशन नहीं करें, बट इट डजंट फील राइट। इट लुक्स लाइक कि हम लोग बैंक की मर्जी पे हैं और हम लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स लाइक आई सेड, इसमें बैंक की कोई फॉल्ट नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ दो बैंक है जो बहुत सारे नोटिसेस भेज रहा है, एक कोटक महिंद्रा बैंक है और एक डीजी बैंक है जो बहुत सारे नोटिसेस भेज रहा है। सो मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी कुछ गलती है, दे आर डूइंग देयर वर्क। जैसे इनको RBI का सर्कुलर मिल रहा है, वो उस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो क्रिप्टो कम्युनिटी के पास फीलिंग है, जो इन्वेस्टर्स के पास फीलिंग है, वो फीलिंग्स आई डोंट थिंक दे फील गुड कि हम कुछ छुपा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर, एंड अगेन लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस। कि इनफैक्ट ये WazirX ने ही यहाँ पे ट्वीट किया था कि सिंस दिस ट्रांजेक्शन ऑफ आर नॉट परमिटेड इन इंडिया, वी आर कॉन्स्टेंट टू प्लेस अ क्रेडिट फ्रीज इन योर अकाउंट, एंड सो आप ऐसा कुछ करो कि आप छुपा सको और ये बता सको कि ये क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर, एंड लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस होल सिनेरियो, जो क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन का सिनेरियो जो इंडिया में है, जो लोग छुप छुप के बाइंग और करनी पड़ रही है, वो आपको कैसा लग रहा है? एट द सेम टाइम आप कॉन्ट्रेरी देखोगे तो बाइनांस ने जर्सी में एक, तो आपको मालूम है कि बाइनांस जो फिलहाल एक्सचेंज है वो क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो उन्होंने अभी अनाउंस किया कि नाउ ग्रेट न्यूज, बाइनांस इज जस्ट ऑफिशियली अनाउंस देयर फर्स्ट फिएट बेस्ड एक्सचेंज विच अलाउड्स टू ट्रेड इथेरियम BTC इन पेयर ऑफ यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो GBP और यूरो दोनों में बिटकॉइन और इथेरियम लोग बाय कर सकते हैं, कहाँ पे? जर्सी में। तो ये मेरे ख्याल से बाइनांस का फर्स्ट फिएट वाला एक्सचेंज है, क्योंकि इसके पहले जो था वो क्रिप्टो टू क्रिप्टो था। और आई एम श्योर कि बाइनांस प्लान कर रहा है और भी जुरिस्डिक्शंस में, और भी कंट्रीज में फिएट वाला जो पेयर है वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज देयर फर्स्ट, और इन्होंने ओपन किया है जर्सी में। ऑफकोर्स यू कैन सी द डिफरेंस कि इंडिया में क्या हो रहा है और दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ओपनली यहाँ पे इन्होंने चालू किया, वहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं,
और लोग बाय कर पाएंगे जीबीपी और यूरो से बिटकॉइन और क्रिप्टो ट्रेड कर पाएंगे, विच इज अमेजिंग न्यूज गाइस. आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट इंडिया हैज टू टेक, फिर यू नो कंपेयर टू जो इंडिया में हो रहा है, कंपेयर टू जो बाकी के देशों में जो ट्रेडिंग कर रहा है. आई डोंट थिंक कि किसी और कंट्री ने इस तरह का सेंट्रल बैंक का बैन लगाया है एक्सेप्ट चाइना आई गेस. बट एनी वे, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स. द नेक्स्ट वन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक चैलेंज बहुत फेमस चल रहा है फेसबुक पे, आई एम श्योर आपको पता होगा, जो 10 ईयर्स ऑफ चैलेंज. तो ये मैंने ट्वीट किया था, आई एम श्योर यू विल लाइक दिस. यहाँ पे 2009 10 ईयर्स ऑफ बिटकॉइन. सो 2009, यू नो ये 10 ईयर्स ऑफ चैलेंज है जिसमें लोग अपना पुराना पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं और अपना नया पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं. तो ये मैंने अभी पोस्ट किया बिटकॉइन का 10 ईयर्स का चैलेंज, जिसमें बिटकॉइन 2009 में स्टार्टेड विद जीरो, राइट, जीरो से चालू हुआ. एंड नाउ 2019 आप देख रहे हो $3,622, सो विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ इन द लास्ट 10 ईयर्स. सो आई होप यू लाइक दिस. अगर आप ट्विटर पर नहीं हो तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट, बिकॉज बहुत कुछ होता है ट्विटर पे, बहुत सारी न्यूज़ और डेवलपमेंट्स मिलती है जो आपको अपडेट करने में मदद मिलेगी. एनीवे गाइस, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन इंडियंस इन्वेस्टर्स हैविंग टू डू दीज ऑल दीज प्रिकॉशंस, कि ये नोट मत लिखो, वो नोट मत लिखो, यू नो चोरी से छुपे से ये ट्रांजेक्शन करो. आई मीन डज इट हेल्प द क्रिप्टो सिस्टम, जो इंडिया में जो क्रिप्टो इकोनॉमी है उसको ग्रो करने में हेल्प कर रही है, या फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ गलत मैसेज दे रही है? लेट मी नो योर थॉट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय. परफेक्ट.